अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेनली जो वाटर से आती है, ये दोनों रिड्यूस्ड होते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में। मीन क्या चीज़ बनती है? शुगर जो है, ग्लूकोज, वो बनती है। और ये कैसे बनता है? यूज़ करते हुए लाइट एनर्जी को। और लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं ये एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स कंपाउंड कार्बन के और हाइड्रोजन के, तो एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें मिलते हैं। तो जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर। और कन्वर्जन कौन करता है? वो क्लोरोफिल करता है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी जो है वो इक्वेशन देखें तो 6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स हैं उनके वो, और साथ में लाइट एनर्जी जो आ रही है कहाँ से? ये आ रही है सनलाइट से। तो क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए ग्लूकोज बन जाएगा और साथ में जो है वो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के। अगर आप इस रिएक्शन जो है उसके अंदर थोड़ा सा इसको ज़रा नोट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। मीन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन। और जो वाटर है, वाटर से क्या बन रहा है? अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जो हमने नील का हाइपोथेसिस पढ़ा था, वैन नील हाइपोथेसिस, उसमें हमने ये पढ़ा कि वाटर जो है उसे क्या निकल रही होती है? वाटर रिलीज़ कर रहा होता है ऑक्सीजन को। तो वाटर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, वी कैन कॉल दिस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और हो रही है रिडक्शन भी। उसके बाद हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है, अब ये तो एक सिंगल आपको एक जो है वो सिंगल रिएक्शन नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सिंगल रिएक्शन होता नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी दो जो है वो रिएक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या कहलाता है? डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है ये यूज़ करता है डायरेक्टली किस चीज़ को यूज़ करेगा? लाइट को यूज़ करेगा। हम इसको, इस रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। इसमें होता क्या है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले दो चीज़ें बनाई जाती हैं लाइट एनर्जी को यूज़ करके, एटीपी की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ जो है वो एनएडीपीएच2 की फॉर्मेशन होती है। तो जो एटीपी है, एटीपी जो है वो रिड्यूसिंग पावर जो है वो हमें मिलती है, एटीपी हमें असिमिलेटिंग पावर देता है। और जो है एटीपी हमें कौन सी पावर देता है? नेक्स्ट डार्क रिएक्शन के अंदर असिमिलेटिंग पावर देता है ग्लूकोज बनाने के लिए। इस तरह जो NADPH2 है, NADPH2 क्या दे रहा होता है? NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और NADPH2 रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है। NADPH2 प्रोवाइड करेगा रिड्यूसिंग पावर फॉर दिस डार्क रिएक्शन, और ATP क्या प्रोवाइड करेगी? असिमिलेटिंग पावर प्रोवाइड करेगी फॉर दिस डार्क रिएक्शन। ATP जो इस लाइट रिएक्शन की ड्यूरिंग बनेगी तो, और साथ साथ जो NADPH2 बनेंगे, ये दोनों हमें चाहिए होंगे इस डार्क रिएक्शन के अंदर। ATP तो हमें केमिकल एनर्जी देगा और NADPH2 क्या देगा? जब NADPH2 जो है वो हमें हाइड्रोजन्स देगा, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो चीज़ें जो है वो हमें NADPH2 से मिलेंगी। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ATP, और सेकंड कौन सा है? NADPH2। ATP क्या देगा हमें? डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होगा ये ATP, एंड ATP विल प्रोवाइड द असिमिलेटिंग पावर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एज वेल एज NADPH2 विल प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर आता है डार्क रिएक्शन। अब ये आपको भी पता होना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है ये हो कहाँ रहा, कहाँ हमने ये तो पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं फोटोसिंथेसिस के ये दोनों रिएक्शन, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है ये थैलाकाइड्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली एनर्जी नहीं चाहिए बल्कि हमें ATP और NADPH2 चाहिए, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके अंदर हमें ये क्या चाहिए जी? अगर ATP और NADPH2, मतलब कि जो डार्क रिएक्शन है इट कैन टेक प्लेस इक्वली ड्यूरिंग लाइट और डार्क, डजेंट मैटर के लाइट है या नहीं है, ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं डार्क रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ATP एंड सेकेंड इज़ NADPH2।
इसमें क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा बाय यूजिंग दी एटीपी एंड एनएडी को यूज करते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स किया जाएगा। किस चीज़ को यूज़ करते हुए, एनए DPH2 एंड ATP को यूज़ करते हुए इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, इसको फिक्स किया जाएगा और क्या बनाई जाएगी, ये ग्लूकोज जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा कि एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर, इस डायग्राम को आप समझ लें कि लाइट रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है जब लाइट जो है वो पड़ती है। अब हमने ये पढ़ा कि जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में हो रहा है, और लाइट रिएक्शन जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी एंड बाकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, इस डायग्राम को हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हम इस सारे फोटो सिस्टम 2, 1 इसको हम डिस्कस करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम। तो सबसे पहले जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर लें कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कौन सा है, लाइट रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो क्या डायरेक्टली जो है वो लाइट यूज़ होती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन करवाने के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो कुछ जो है फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट जैसे कि जेंथोफिल हो गया और कैरोटीनाइड्स हो गए और क्लोरोफिल, ये दोनों जो है वो कंबाइन होकर फोटो सिस्टम्स बनाते हैं। अब क्लोरोफिल जो है वो सबके साथ कंबाइन होकर जब फोटो सिस्टम बनाएगा तो मुख्तलिफ तरह के फोटो सिस्टम बनते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम होते हैं ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब फोटो सिस्टम कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो एक मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जो फोटो सिस्टम हैं होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल जो है ए वो मुख्तलिफ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो फोटो सिस्टम 1 होता है एंड फोटो सिस्टम 2 होता है। अब फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है, फोटो सिस्टम जो 1 है वो उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर होती है, और फोटो सिस्टम जो 2 है वो किस लाइट को अब्जॉर्ब करता है, 700 वाली नैनोमीटर लाइट को अब्जॉर्ब करता है। जी, हम कह रहे थे कि लाइट रिएक्शन जो है वो उसके अगर हम देखें तो वो कुछ फ़ोटो सिस्टम्स होते हैं लाइट रिएक्शन जो करवाते हैं, और उसके अलावा जो है ये फ़ोटो सिस्टम फास्फोराइलेशन करते हैं, इनके एटीपी बनती है। अब जो फ़ोटो सिस्टम हैं, हर फोटो सिस्टम के ये फ़ोटो सिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फ़ोटो सिस्टम पाए जाते हैं थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन के अंदर। अब हर जो फ़ोटो सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड इज़ नोन एज रिएक्शन सेंटर। अब हर फोटो सिस्टम के जो दो पार्ट्स हैं ये भी फर्दर जो है वो बने हुए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, हम वो देख लेते हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है। कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए के और बी के और कैरोटीनाइड्स होते हैं। अब बी और कैरोटीनाइड्स बोथ आर द एसेसरी पिगमेंट्स वाइल क्लोरोफिल ए इज़ द मेन और चीफ पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनाइड्स क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, और इसको जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो सारे क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनाइड्स हैं ये इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पर सेंड करेंगे, इस रिएक्शन सेंटर को सेंड करेंगे। क्लियर हो गया। अब रिएक्शन सेंटर के अंदर भी कंपोजिशन इसकी क्या है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, एक मॉलिक्यूल होता है या एक से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ रिएक्शन सेंटर के अंदर होती है वो होती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक प्रोटीन है, और इसके अलावा एक प्रोटीन की एक सीरीज़ होती है पूरी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ ETC, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने वाले, उनको ट्रांसपोर्ट करने वाले मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो एक चेन बना रही हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कह रहे हैं। तो ये कंपोजिशन होगी रिएक्शन सेंटर की, और ये वाली कंपोजिशन होगी एंटीना कॉम्प्लेक्स की। अब थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोटो सिस्टम है पाए जाते हैं। अब ये फोटो सिस्टम भी दो तरह के हैं, क्लियर हो गया। एक को हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड इज़ नोन एज फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम जो 1 है ये एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होगा वो एब्जॉर्ब करेगा किस लाइट की वेवलेंथ को, 680 मीन रेड है, रेड की एक रेंज है। और फोटो सिस्टम जो 2 है वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा ए वो एब्जॉर्ब करेगा किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को, 700, ये भी जो है वो रेंज है रेड कलर की लाइट की।
तो फोटो सिस्टम, दो तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन में। फोटो सिस्टम वन विल एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फोटो सिस्टम टू विल एब्जॉर्ब द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इनमें हर फोटो सिस्टम के फिर दो पार्ट्स हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन ये है और रिएक्शन सेंटर की कंपोजिशन ये है। उसके बाद अब होता क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम है ये फास्फोराइलेशन करते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब जो फास्फोराइलेशन का मतलब है कि एटीपी बनती है लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। अब ये जो एटीपी है ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी बनती है, और दूसरा जो है प्रोसेस साइक्लिक जब फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड द एनर्जी एंड बाय यूजिंग दिस एनर्जी एटीपी विल बी फॉर्म। क्लियर हो गया। अच्छा, हमने बात की थी कि जो थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन है उनके अंदर किस तरह फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। तो ये इसकी ग्रामेटिकल एक फॉर्म है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये सारे ये क्या हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। ये ग्रीन कलर के जो हैं ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। और पीछे हमने पढ़ा एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है कि क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनाइड्स हैं। और एंटीना कॉम्प्लेक्स का बेसिकली काम ये है कि इन्होंने लाइट एनर्जी को, यहाँ पे जो लाइट आ रही है फोटोन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके आगे से आगे जो है वो ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पर, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको रिएक्शन सेंटर, ये वाला क्या है, रिएक्शन सेंटर। तो इस रिएक्शन सेंटर को ये देंगे और ये रिएक्शन सेंटर हो गया, इसको दी इन्होंने लाइट। और रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, इस जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो है क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को फिर आगे ईटीसी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। ईटीसी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे साइक्लिक वे में या नॉन साइक्लिक वे में, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए फिर एटीपी जो है वो बनाई जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। सबसे पहले इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट एंड फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रही है, दैट्स वाई वी कॉल इट फोटो फास्फोराइलेशन। तो हम पढ़ेंगे कि नॉन साइक्लिक फ्लो में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कैसे जो है वो एटीपी की जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर दोनों तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। सो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम वन भी होता है और फोटो सिस्टम टू भी होता है। सबसे पहला जो फोटो सिस्टम होता है यहाँ पर, वो फोटो सिस्टम कौन सा होता है, फोटो सिस्टम टू होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो कि एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को। जैसे लाइट पड़ेगी इस फोटो सिस्टम के ऊपर, फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल जो है और बाकी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एस्केप होकर चले जाएंगे, एस्केप होकर कहाँ पर चले जाएंगे, इनको एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनको एक्सेप्ट कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो सिस्टम जो टू है 680, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वहाँ पर क्या रह जाएगा, वहाँ पे होल रह जाएगा। अब उस होल को फिल करने के लिए फिर क्या होगा, फोटोलिसिस होगी, मीन वाटर क्या होगा, वाटर ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन आइंस देगा और जो है वो ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इस होल को फिल कर देंगे जो कि इस फोटो सिस्टम टू के अंदर क्रिएट हुआ था बाय द इंसिडेंट ऑफ लाइट। अब क्या होगा उसके बाद, अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक के बाद दूसरा कंजक्टिव इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन को शो करें। तो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, कहाँ पर मूव करेंगे, अब ये पूरी सीरीज़ है प्रोटीन की जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, इस पूरी सीरीज़ को ही हम नाम दे रहे थे ईटीसी का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दे रहे थे। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, पहली जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो प्लास्टोकिनोन है, पी क्यू है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है
और उसके बाद जो है वो पीसी है। क्लियर हो गया। अब जो पीसी है ये कौन सी होती है, कॉपर कंटेनिंग एक कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम ए बी और मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से उसको जाएंगे पी क्यू के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी सी के बाद। पी सी क्या है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इस साइक्लिक फ्लो, मतलब कि इस पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो मूविंग इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा कीमियोस्मोसिस के लिए, मतलब एनर्जी जो मिलेगी उसको यूज़ करते हुए एटीपी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली एटीपी बना रहे हैं, ऐसे एटीपी नहीं बन रही। मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज़ करके एटीपी की सिंथेसिस होगी। जो एटीपी की सिंथेसिस है उसको हम क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस तरह कीमियोस्मोसिस होती है। उसके बाद जो है वो फोटोसिस्टम जो वन है वो भी यही होता है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में। अब इस फोटोसिस्टम के ऊपर भी जब लाइट पड़ेगी इसके भी इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर इसको जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर P700 फोटोसिस्टम जो वन है, P700 कौन सा, फोटोसिस्टम वन। अब फोटोसिस्टम वन के अंदर जो होल प्रोड्यूस हुआ था उसको पीछे से जो है वो ETC से आने वाले इलेक्ट्रॉन उसको फिल करें, ठीक है। फोटोसिस्टम वन के अंदर जो होल प्रोड्यूस हुआ है उसको फिल करेंगे फोटोसिस्टम टू से आने वाले इलेक्ट्रॉन, और फोटोसिस्टम वन के अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी तरह फिर जो है वो हम फोटोसिस्टम जो वन है उसकी ATC है यहाँ पर। अब फोटोसिस्टम वन की ATC के अंदर क्या है, FD फेरिडॉक्सिन है, उसके बाद NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये ETC है फोटोसिस्टम वन की, ठीक हो गया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन इनको ट्रांसपोर्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास, एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा NADP पॉजिटिव के अंदर, और साथ में हाइड्रोजन आयंस होंगे, और बनेगा कि NADP रिडक्टेज बनाएगा क्या, NADPH2। तो यहाँ पर क्या बना है, NADPH2 की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर हो गई ये बात कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को दे रहा है, फेरिडॉक्सिन जो है इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा NADP रिडक्टेज के पास। NADP रिडक्टेज इज़ अ एंजाइम विच विल कैटलाइज दिस रिएक्शन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो NADPH2 बना है और साथ में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो ने एनर्जी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ATP की जो है वो सिंथेसिस हुई है। तो यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। अब इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से इधर, मतलब ये जिग जैग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई दिस नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन इज नोन एज जी स्कीम। इसको हम जी स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी स्कीम के अंदर जिग जैग मैनर में मूव करते हैं। दैट्स वाई दिस फिनोमिनन और स्कीम इज नोन एज जी स्कीम। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी कीमियोस्मोसिस की, तो हम देखेंगे कीमियोस्मोसिस या ATP कैसे बन रही है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने पीछे जो सारे जो सिस्टम पढ़े हैं कि फोटोसिस्टम वन है और फोटोसिस्टम टू, ये जो सारे हमने पढ़े हैं फोटोसिस्टम, अब ये सारे जो है फोटोसिस्टम को हम देखेंगे किस तरह ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हुए हैं। तो ये देखें फोटोसिस्टम टू है पहले, उसके बाद फोटोसिस्टम टू के बाद ये प्लास्टोक्विनोन है, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टो फिर साइनिन है, फिर फोटोसिस्टम वन है। मतलब जो पीछे हमने सारा फिनोमिना पढ़ा है वो थैलाकोइड की ये मेम्ब्रेन है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये क्या है, ये वाली, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये थैलाकोइड का जो है वो कौन सा पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट है, और ये थैलाकोइड का ल्यूमिन वाला पार्ट है। जैसे आप, ये थैलाकोइड है, इसका अंदर वाला पार्ट ये है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो ये स्ट्रोमल पार्ट है। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटोसिस्टम वन भी है, टू भी है, ETC भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोटोसिस्टम वन के अंदर फोटोलिसिस हुई थी, ऑक्सीजन बनी थी, हाइड्रोजन बन के किस साइड पर आ गए, थैलाकोइड की ल्यूमिन वाली साइड के ऊपर, थैलाकोइड के इंटीरियर साइड पे, ल्यूमिन साइड पे आ गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस वे में मूव कर रहे हैं,
अब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे मूव करते जाएंगे, अब यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसने एनर्जी दी थी। पीछे पिछले वाले जो है वो हमने अभी हमने स्लाइड में पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाया जाता है, एटीपी। इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, अब यहाँ पे फोटोलिसिस हुई है वाटर के की, फोटोलिसिस होने से ऑक्सीजन बनी है और साथ में हाइड्रोजन बने। अब ये हाइड्रोजन खुद ब खुद इस इंटीरियर साइड पर, ल्यूमेन वाली साइड पर नहीं आ जाते, बल्कि इन हाइड्रोजन को इंटीरियर वाली साइड के ऊपर मूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब मूविंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयंस को एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस मेम्ब्रेन से मूव करेंगे ल्यूमेन वाली साइड पर। क्लियर है ये बात कि मूविंग इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड एनर्जी टू दीज हाइड्रोजन आइंस टू मूव फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन टू दिस ल्यूमिन। क्लियर है ये बात। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आइंस को एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोजन आइंस क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन आइंस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ये सारे चले जाएंगे। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी दे दी हाइड्रोजन आइंस को, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गए इस ल्यूमेन वाली साइड पर। तो वो जो एनर्जी लेकर ये साइड पर आए हैं, वो एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ल्यूमेन वाली साइड पर देर इज़ द अकोमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट बन जाएगा, और उन हाइड्रोजन आयंस ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की भी है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया। और इन्होंने ये एनर्जी कहाँ से ली, इन्होंने मूविंग इलेक्ट्रॉन से ये एनर्जी ली है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि फोटो सिस्टम वन के अंदर देखें NADPH2 बना है। अब होता क्या है कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेस। ATP सिंथेटेस जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली ATP की फॉर्मेशन करता है। ATP की फॉर्मेशन को कौन करेगा जी, ATP सिंथेटेस। अब इसको ज़रा देख लें किस तरह कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा कमुलेट हो जाएंगे और उनका ग्रेडियंट बन जाएगा और इन हाइड्रोजन आयंस के अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी है, तो ATP सिंथेटेज इंजाइम से हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे। ये ATP सिंथेटेज मूव करवाएगा हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड टू द स्ट्रोमल साइड। ठीक हो गया। तो जब हाइड्रोजन आयंस हायर अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वो एनर्जी को जो है वो क्या कर देंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे जब ये आएंगे स्ट्रोमा वाली साइड के ऊपर, और उस एनर्जी को यूज़ करके ADP कंबाइन होगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर ये बात, अब हाइड्रोजन आयंस इस मेम्ब्रेन को खुद क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको क्रॉस करवाने के लिए ATP सिंथेटेज यूज़ होगा। ATP जो सिंथेज है ये क्या करेगा, ये मूव करवाएगा इन हाइड्रोजन आयंस को इंटीरियर वाली साइड से स्ट्रोमा वाली साइड पर। क्लियर है। और जब ये कंसंट्रेशन पूरी जो हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पे जो है वो कमुलेट हुए हुए हैं, जब ये हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर आएंगे, तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शन होगा, ADP कंबाइन करेगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो पिछले जो है स्लाइड भी हमने पढ़ा कि किस तरह मूविंग इलेक्ट्रॉन ATP दे रहे हैं, तो वो इस तरह ATP दे रहे हैं, कीमियोस्मोसिस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, कीमियोस्मोसिस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो यू कैन फ्रीली आस्क। यहीं तक आपका आज लेक्चर था।